मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थानीय चंचल चौराहा पर चूना भट्टी के इरशाद पिता गफ्फूर शाह को लेन देन के विवाद के चलते सचिन नामक युवक ने चाकू पेट में घोंप दिया। युवक को हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए इंदौर रेफर किया गया। लेन देन के विवाद के चलते बड़वानी के चंचल चौराहा पर चूना भट्टी निवासी युवक इरशाद शाह को पेट में सचिन नामक युवक ने चाकू घोंप दिया। घटना स्थल पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। फिर पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहां से उसे इंदौर रेफर कर दिया। आरोपी युवक की सर्चिंग की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नौसाद। नौसाद, क्या घटना हुई है? आपके भाई का नाम क्या और क्या घटना? इरशाद नाम है, पिता का नाम गफूर है। कहाँ रहते हो आप? चूना भट्टी रहता हूँ। कहाँ चाकू मारा और क्या घटना हुई? चाकू पता नहीं, मुझे चंचल चौराहे पे खबर रही, फ़ोन आया था मेरे पास। क्या फ़ोन आया? कि भाई तू जल्दी आ जा। तो मैं पहुँचा, उसके बाद देखा तो चाकू लगेला था। किसने मारा कुछ बताया आपने? सचिन का बता रहा हूँ। सचिन कौन? चूना भट्टी में रहता है। क्या नाम है पूरा सचिन का? सचिन का पूरा नाम तो मुझे नहीं पता। क्या काम करता है? ऐसे ही आवारा गिरदी है और क्या। उसका नाम बता रहा है? हाँ, उसका नाम बता रहा है। किस कारण से मारा है कुछ बताया आपको? कुछ नहीं बताया अभी तो। रिपोर्ट लिखवा दी है? रिपोर्ट लिखवा दी है अभी। आज लगभग सुबह मॉर्निंग के 8 बजे के करीब एक इरशाद नाम का लड़का था, उसको एक व्यक्ति आया, उसने नाम पूछा और मोबाइल नंबर पूछा और अचानक से उसने उसको चाकू मार दिया। सचिन नाम का लड़का है और चाकू मार के भाग गया वो। ये सुबह 8:30 से 9 के बीच की घटना है। युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया? हाँ, युवक को हॉस्पिटल में भर्ती किया, अभी वो इंदौर रेफर किया गया है उसको। क्या कारण रहा है घटना का? आपसी लेन देन का मामला है, जो फरियादी घायल है उससे बात हुई है, तो उसका कहना है कि हमारा आपसी कुछ था, उस पे से हुआ है। आरोपी फरार है? हाँ, अभी आरोपी फरार है और सर्चिंग पार्टी रवाना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।